चुनाव की घोषणा के साथ ही अब चुनावी शोर सुनाई देने लगा है। इस चुनावी शोर में हर जनप्रतिनिधि या वो प्रत्याशी जिसके नाम की घोषणा हो गई है, वह अब नारों को अपना चुनावी हथियार बना रहा है। नारा राजनीति में काफी मायने रखता है, क्योंकि अपनी योजनाओं को गिनाना हो या फिर सत्तारूढ़ पार्टी के जो कार्य किए गए हैं उनको टारगेट करना हो तो ये नारे उनका प्रमुख हथियार बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नारे भी हैं जो राजस्थान की राजनीति को हिलाकर रख देते हैं। साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव किसको याद नहीं। यह चुनाव कांग्रेस की जीत से ज्यादा चुनाव से पहले लगे एक नारे को लेकर बेहद चर्चा में था, और वो नारा भारतीय जनता पार्टी और उसके आलाकमान के लिए नासूर बन गया था। वो नारा था, मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। 5 साल बाद राजस्थान में फिर से विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है, और 2018 में लगा वो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक बड़ा नासूर बना था, तो वहीं अब कुछ ऐसा ही एक नारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जख्मों पर नमक छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। इस बार चिंता भाजपा के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कुछ ऐसे ही नारे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के लिए लग रहे हैं। राहुल तेरे से बैर नहीं, गहलोत तेरी खैर नहीं। भाजपा के पास राजस्थान में इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा ने हर उस चेहरे पर दाव लगा दिया है जो उसे राजस्थान में सत्ता में वापसी करा सके, और उसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर इतना निर्भर भी ना रहना पड़े कि भाजपा से वसुंधरा की नाराजगी सत्ता वापसी के सपनों को पूरा करने के रास्ते में रोड़ा बन सके। मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं का नारे पूरे राजस्थान ने साल 2018 में सुना था। इस नारे की गूंज दिल्ली तक पहुंची और इस नारे ने भाजपा की सत्ता को राजस्थान से उखाड़ फेंका था। इस बार भी फिर एक नारे की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार अलग तरीके से और अलग पार्टी के लिए। नारे की दुनिया में इस बार भाजपा का नंबर नहीं बल्कि कांग्रेस का नंबर आता दिखाई दे रहा है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस तरह के नारों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक नारे की गूंज सुनाई दे रही थी जिसमें कहा जा रहा था, राहुल तेरे से बैर नहीं, गहलोत तेरी खैर नहीं। लेकिन इस नारे में वो दम रत्ती भर भी नजर नहीं आया जो पीएम मोदी और वसुंधरा के मामले में था। यहां तक तो सीएम अशोक गहलोत के लिए सुकून था, लेकिन गहलोत के लिए सुकून तब बिगड़ा जब प्रदेश में हो रहे प्रदर्शन के दौरान गहलोत तेरे से बैर नहीं, प्रशासन तेरी खैर नहीं के नारे लगने लगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माथे पर शिकन दिखाई देने लगी। अभी तक तो इस नारे की गूंज सीएम गहलोत के कानों पर मिटी ही नहीं थी कि एक और नारा उसके लिए थोड़ा चिंता का विषय बन गया, और वो नारा था, अशोक गहलोत तुमसे बैर नहीं, कांग्रेसी विधायकों तुम्हारी खैर नहीं। हालांकि पहले नारे को छोड़कर दोनों ही नारे सीधे अशोक गहलोत पर वार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि राजनीति कभी सीधा वार नहीं करती है, वो साम दाम दंड भेद का हर एक खेल खेलती है। जैसे पिछली बार नारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए था, पर सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टूटा था। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा था कि राजस्थान की जनता को वसुंधरा से बैर है, पर मेरे नाम से जनता वोट करेगी और प्रदेश की राजनीति का 20 साल का वो रिकॉर्ड तोड़ देगी जहां कोई सरकार रिपीट नहीं होती। अब कुछ ऐसा ही हाल अशोक गहलोत का है, जहां विधायकों से बैर उनके सपनों को ना तोड़ दे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम में स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा फीडबैक तो उनके पास भी आया है, कई बार अच्छा काम करने के बावजूद भी जो करप्शन है वह बन जाते हैं। वहीं बीते दिनों कई विधायकों और मंत्रियों को अपने इलाकों में विरोध का सामना करना पड़ा था, जो उनके लिए एक चिंता का विषय है। जहां वे एक नहीं बल्कि दो सपने देख रहे हैं, सियासी गलियारों में कहा जाता है कि अशोक गहलोत के लिए यह आखिरी चुनाव हो सकता है, तो वह इस चुनाव में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। अशोक गहलोत ने दो सपने देखे हैं, एक सपना है यदि वह जीते तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और दूसरा सपना है कि अपनी सरकार को रिपीट करते हुए 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़। अब देखने लायक ये होगा कि क्या अशोक गहलोत विधायकों की खैर नहीं, गहलोत तुमसे वैर नहीं वाले नारे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके पास विधायकों ही नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना तो टूटेगा ही, साथ ही 25 साल का जो पुराना रिकॉर्ड है वह भी टूटने का सपना टूट जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायकों के खिलाफ जो नाराजगी राजस्थान में देखने को मिल रही है,
ये नाराजगी अशोक गहलोत के दो सपने तो तोड़ती हुई नजर आ रही है, साथ ही राहुल तुमसे बैर नहीं और गहलोत तुम्हारी खैर नहीं को साल 2018 के चुनावों का एक बार फिर से रिपीट टेलीकास्ट करती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूं ललित वर्मा।